पर ऐसा नहीं है, ये विधि समझनी होगी। पहले पुरस्कार करते हैं, फिर सत्कार करते हैं। आप तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में देखोगे तो सत्कार पुरस्कार शब्द मिलेगा आपको। ध्यान है आपको 22 परिश्रमों वाला सूत्र, शुद्ध पिपासा, शीतोष्ण दंश मशक नाग्न आरति स्त्री चर्या निषिद्ध शय क्रूश वध याचना लाभ रूप तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि। सत्कार पुरस्कार लिखा है, पर जब आप विधि करोगे तो पहले पुरस्कार करोगे बाद में सत्कार। तो लिखा वैसा क्यों है? जो क्रिया है उससे विपरीत क्रम में सूत्र क्यों बना है? तो उसका सरल सा उत्तर है कि सूत्र में एक नियम होता है कि जिस अक्षर जिस शब्द में अक्षर कम होते हैं उसको पहले लिखना पड़ता है, और जिस शब्द में अक्षर अधिक होते हैं उसको बाद में लिखा जाता है। तो पुरस्कार में 4 अक्षर है, सत्कार में 3 है, तो सत्कार पहले लिख दिया, पुरस्कार बाद में। और जब आप विधि करोगे तो क्या होगा? पहले पुरस्कार करोगे फिर सत्कार करोगे, पहले आह्वान स्थापन सन्निधिकरण करोगे और उसके बाद में जलादि द्रव्यों से आप अश्र द्रव्यों से पूजा करोगे उस पूजा को। और पूजा में जयमाला और मिला लो। जयमाला क्या वस्तु है? भगवान ने जिन जिन पर विजय प्राप्त की है उसका बखान करना जयमाला है। अर्थात जयमाला भगवान का गुणानुवाद है। तो पूजा और जयमाला को मिलाकर सत्कार कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है सत्कार पूजा प्रशंसात्मक। सत्कार की परिभाषा उन्होंने बताई कि सत्कार का अर्थ होता है पूजा करना और फिर पूजा के बाद प्रशंसा करना, स्तुति करना। तो देखो 3 विधियां हुई। पहले आपने आह्वान स्थापन सन्निधिकरण किया, पुरस्कार विधि हुई, फिर उसके बाद आपने सत्कार किया तो उसमें पूजा और जयमाला पड़ी। इसके बाद और भी कुछ क्रियाएं हैं, आपको जप भी करना होगा। जयमाला के बाद आपको जप भी करना होगा, फिर स्वाध्याय और ध्यान भी करना होता है। तो ऐसे ये पूरी प्रातःकालीन आराधना विधि संपन्न होती है।